जब वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भक्तों की बस गिरी खाई में, फिर हुआ ऐसा चमत्कार कि देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, माता वैष्णो देवी का मंदिर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जम्मू जिले के कटरा नगर में स्थित वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले एक ब्राह्मण पुजारी श्रीधर द्वारा कराया गया था। मंदिर 52,000 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतनी ऊंची पहाड़ी पर जाकर दर्शन करना कोई आम बात नहीं है। हर साल लाखों लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, उसमें से हजारों लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, परंतु माता वैष्णो देवी अपने सच्चे भक्तों को कभी कुछ नहीं होने देती। और आज हम आप लोगों को माता वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़ी ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रखर एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय था। उसकी माँ वैष्णो देवी में बहुत आस्था थी। वो हर साल वैष्णो देवी मंदिर करने जाने का सोचता था, परंतु हमेशा कोई न कोई काम आड़े आ ही जाता था। इस बार उसने सोच लिया था कि वो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ माँ वैष्णो देवी के मंदिर जाकर ही रहेगा। उसकी वैष्णो देवी में आस्था देखकर घर वाले भी उसकी बहुत प्रशंसा करते थे कि देवी पर विश्वास और उनके आशीर्वाद से ही उनका बेटा इतना अच्छा और समझदार निकला है। ट्रेन की टिकट न मिलने की वजह से प्रखर अपने दोस्तों के साथ बस में वैष्णो देवी जाने वाला था। पूरा सफर 5 दिन का होने वाला था। प्रखर के साथ उसके 15 दोस्त और थे। सारी तैयारी हो चुकी थी। सुबह प्रखर वैष्णो देवी के लिए निकलने वाला था। प्रखर रात में वैष्णो देवी का नाम लेकर सोता है और उनसे विनती करता है कि उसे उनके दर्शन हो जाएं। सुबह सुबह बस वैष्णो देवी के लिए निकल जाती है। जम्मू कश्मीर की ऊंचाइयों में स्थित वैष्णो देवी एक बहुत ही मान्यता वाली जगह है, परंतु यहां तक पहुंचने के लिए देवी के भक्तों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ प्रखर और उनके दोस्तों के साथ। पूरे दिन बस में थोड़ा दूर चलने के बाद जम्मू के निकट एक सुनसान जंगल के पास बस गुजर रही थी। जंगल से निकलकर कुछ गुंडे बाहर आते हैं और बस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बस के अंदर चढ़ जाते हैं। उनको देखकर सब डर जाते हैं। वो एक एक करके सबका सारा सामान छीन लेते हैं और फिर बारी आती है प्रखर की। प्रखर अपने सारे सामान गुंडों को दे देता है, परंतु वो अपने गले के सोने की माँ वैष्णो देवी की चैन उन्हें देने से मना कर देता है और गुंडे उससे चैन लेने के लिए जबरदस्ती करने लग जाते हैं। प्रखर गुंडों को बोलता है कि भले आज मेरी जान ही क्यों न चली जाए, परंतु ये चैन तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और जैसे ही गुंडा प्रखर के चैन को हाथ लगाता है, उसके हाथ की उंगली टेढ़ी होने लगती है। उसके हाथ काम करने बंद हो जाते हैं। प्रखर खुद सोच में पड़ जाता है कि इस आदमी को क्या हो गया है। फिर डर के मारे गुंडे प्रखर की चैन को नहीं लेते हैं और बस में डेरा जमा लेते हैं। सभी को बहुत परेशान करते हैं। ड्राइवर को हटाकर खुद बस चलाने लगते हैं। वो गुंडा इतना तेज बस चलाता है कि बस के ब्रेक फेल हो जाती है। ऊपर से रात भी बहुत हो जाती है। सारे गुंडे डर में चलती बस से कैसे तैसे कूद जाते हैं। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। सामने से जंगल में एक शेर आता हुआ दिखाई देता है। सारे लोग घबरा जाते हैं कि बस के सामने आने से शेर की मौत ना हो जाए, और अचानक से बस अपने आप रुक जाती है। सब लोग उस बस में बेहोश हो जाते हैं और सुबह हो चुकी होती है। प्रखर की आंख खुलती है। वो लोग वैष्णो देवी से कुछ किलोमीटर दूरी पर थे और जो गुंडे उन लोगों को परेशान कर रहे थे सब दर्द में शेर के खाने से बिलक रहे थे और बस का टायर भी पंचर था। ये सब देखकर प्रखर को कुछ समझ नहीं आता कि सब बेहोश कैसे हो गए। शेर ने सिर्फ गुंडों को ही क्यों खाया, हम में से किसी को क्यों नहीं, और शेर ने इन सब को जान से क्यों नहीं मारा, और बस के टायर पंचर कैसे हुआ। प्रखर के जहन में हजार सवाल घूम रहे थे। फिर उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। उसे समझ आता है कि पत्थर पर लगने से बस का टायर पंचर हो गया। उसे फिर माता वैष्णो देवी की चुनरी पड़ी दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि हमें बचाने स्वयं माँ वैष्णो देवी आई थी, और वो जोर जोर से बोलता है माँ वैष्णो देवी की जय, उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसी कोई सत्य घटना के बारे में जानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जय माँ वैष्णो देवी।